हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं सुष्मिता, आपकी एडुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। इसके पहले प्लांट किंगडम के दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करके आपको जो जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्शन है, वो सब समझाने वाली हूँ। तो अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा जिम्नोस्पर्म जितना भी एनसीईआरटी में है पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा कवर हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली ये जो सेगमेंट है जिम्नोस्पर्म का एनसीईआरटी में, हर वो लाइन पीवाईक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर वो लाइन से आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पूरे जिम्नोस्पर्म याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एनसीईआरटी का जो जैसे लिखा हुआ रहता है कि कोई भी पॉइंट्स नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, और पिक्चर्स उतने भी ज़्यादा इलाबोरेटेड नहीं रहते, तो उस हिसाब से वो याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग आज बहुत ही सिंप्लीफाई वे में धीरे धीरे ड्राइंग के थ्रू पूरे जिम्नोस्पर्म को समझेंगे, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी का सीरीज़ जो कि मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। तो आई होप यू हैव सीन ऑल द वीडियोस, ठीक है, इसके पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है नाम से कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होगा, कि नेकेड सीड, जो इसका जो सीड रहेगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड की कवरिंग होती है, कवरिंग की बहुत सारे लेयर्स होती है, राइट। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है उनकी कवरिंग नहीं होती है, वो नेकेड होते हैं, एक पतला सा लेयर होता है जस्ट। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं, नेकेड ही रहते हैं, उनका कोई कवरिंग नहीं होती है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। सो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, पहले हम लोग पढ़े हैं एल्गी, फिर उससे थोड़ा साइज बढ़ गया, ठीक है, वो आया कि ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आया ट्रेडोफाइट्स। तो हम लोग धीरे धीरे अब प्लांट का साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म बेसिकली श्रब, टॉल ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज, ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म के मतलब जो साइज होता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेड वुड ट्री, ठीक है, सिक्यूयम, इसको क्या बोलते हैं, रेड वुड। तो और ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब एकदम ट्री, टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। और ये बहुत ही लंबा होता है, मतलब आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि उसके नीचे जो इंसान रहती है वो बहुत ही छोटी हाइट की लगती है उस पेड़ के नीचे, ठीक है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, ऑब्वियसली टैप रूट्स ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जितना कोई भी पेड़ हो, ठीक है, कोई भी ट्रीज हो, कुछ भी हो, इवन अगर आप अगर कोई जो आर्किटेक्चर्स, मतलब जो घर वगैरह बनता है ना, अगर टू स्टोरीज बिल्डिंग बनानी होती है तो उतनी नीचे भी खोदना होता है, मतलब नीचे भी उतना ही मजबूत करना पड़ता है वो अकड़, ताकि वो बिल्डिंग गिर ना जाए। तो सेम चीज़ ये पेड़ के लिए भी होती है, कि जितना आप ऊपर देख रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा मिट्टी के अंदर होता है, क्योंकि वो पकड़ रहनी चाहिए। अगर नहीं, ठीक से अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो पकड़ मिट्टी के साथ, तो वो उतना ऊंचा नहीं जा पाएगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि सिर्फ उसको लंबाई तो नहीं होना है ना, उसको हर एक एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है, अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा विंड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर विंडी सीजन है, इतना कुछ हादसा हो सकता है, तो उस पूरे सिचुएशन के लिए उसको अपने आप को स्ट्रेट रखना है, ठीक से रखना है। सो इसीलिए क्या होता है, जितना लंबा ट्री होती है या तो फिर जितना लंबा बिल्डिंग होती है, उसके नीचे की पकड़ भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, उतना स्ट्रांग होना चाहिए। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस, वाइल इन सम अदर्स साइकस। तो देखो, हम लोग अगर एक मतलब देखते हैं, सपोज दिस इज द, ये है एक पाइन ट्री, ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रीज यहाँ पे दिखाया गया है, पाइनस और साइकस। मैं उस ट्रीज को नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको एसोसिएशन बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके।
पेड़ बना दो। हालांकि पाइनस ट्री ऐसा दिखता भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने बचपन का जो जैसे बनाते थे हम लोग वैसे ही बना दिया कुछ। इसके अब अंदर टैप रूट होगा, है ना, और यहाँ से एसोसिएशन होती है। सपोज ये ऐसा हुआ, और फिर यहाँ पे और एक ट्री जैसे कि साइकस, साइकस, तो हम साइकस बना रहे हैं। एक्चुअली साइकस ऐसा होता नहीं है, रुको, इसको वैसे नहीं बनाते। एक पाइनएप्पल के जैसे होते हैं। बहुत ही गंदा साइकस बना। एनीवे, तो ये है साइकस, और इसके भी नीचे हम लोग देखेंगे रूट्स है, ठीक है, रूट्स प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि पाइनस के नीचे हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, कि ये देखो यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि पाइनस के साथ फंगल एसोसिएशन होती है, माइकोराइजा बोलते हैं उस एसोसिएशन को, और साइकस के साथ सम स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल कोलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे याद रखने वाली की क्या चीज़ है कि पाइनस है एक और साइकस, ये दोनों एग्जाम्पल है। पाइनस के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन रहती है, ठीक है, और एसोसिएशन किस चीज़ के साथ होती है, मतलब पाइनस और एक फंगस का एसोसिएशन होती है, और उसी एसोसिएशन को हम लोग एक नाम दिए हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा एसोसिएट नहीं होता है, माइकोराइजा उस एसोसिएशन का नाम है, ठीक है। टू फॉर्म अ माइकोराइजा पाइनस में फंगल एसोसिएशन को बोलते हैं। नाउ साइकस जो है, साइकस क्या है, साइकस में हम लोग देखते हैं सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरालॉयड रूट्स, ओके, एंड सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ओके, ट्रिपल सी, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरालॉइड, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। तो ये याद रखना कि साइकस के जो ट्रीज होते हैं उसके पास एक स्पेशलाइज्ड कोरालॉइड रूट होता है, जो कि कोरालॉइड इस जो ये जो रूट है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करती है। अब कैसे होता है ये चीज़, राइट? तो हम लोग देखते हैं पाइनस में, हम लोग पहले ही इसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पढ़े थे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि फंगस का दो तरीके की माइसेलियम होती है, एक होता है सेप्टेट, दूसरा होता है एसेप्टेट, ठीक है, मतलब ब्रांच्ड होगा अनब्रांच्ड होगा। तो वहाँ पे दो तरीके के माइसेलियम हम लोग देखते हैं। एक माइसेलियम ऐसा है, कलर चेंज करते हैं वरना तुमको सब सेम दिखेगा, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक जो कोएनोसाइटिक हाइफी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस रहता है। कोएनोसाइटिक जो था उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, और हम लोग को इसके साथ साथ कुछ वैक्यूल्स भी नज़र आ रहा था। तो एक ही माइसेलियम में इतने सारे, ये सेप्टेट नहीं होता है, ये एसेप्टेड होता है, ये कोएनोसाइटिक होती है। कोएनोसाइटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस रहता है और एक सिंगल सा एक सेल के जैसे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लंबा होता है, ठीक है। और एक टाइप का होता है जो कि सेप्टेट होता है, सेप्टेट होगा ऐसा। ये हम लोग सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल्स में कवर किए हैं, है ना। तो ये ऐसा सेप्टेड होता है, यहाँ पे हम लोग इसको एक एक को हाइफी बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस के जैसे प्रेजेंट होता है। दीज आर द क्रॉस वॉल्स, राइट, और इसके साथ यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ न्यूक्लियस और वैक्यूल्स ही प्रेजेंट होता है बेसिकली, ये दोनों चीज़ जो है ये बहुत डिस्टिंक्टली देख पाते हैं। इसके साथ साथ गॉल्गी एपरेटस, बाकी और भी जो सेल ऑर्गेनल्स है जो जो प्रेजेंट होना चाहिए वो सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हाइफी बना के ये बहुत दूर तक जा सकता है,
ओके तो पाइनस का जो रूट है इसका जो एरिया है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज करना है, लेकिन इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपना जो ये एरिया है इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। तो क्या होता है, फंगस के पास तो वो इतना लंबा तो माइसेलियम प्रेजेंट है उसके पास, मतलब वो अगर चाहे तो उसको तो बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, थोड़ा ट्रेडिंग में जाता है। ट्रेडिंग में मतलब तुम मुझे कुछ दो, मैं उसके बदले तुमको कुछ दूंगा, जैसे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो पाइनस के पास एक ड्रॉबैक है कि वो दूर दूर तक जा नहीं सकता अपना न्यूट्रिशन लाने के लिए, पानी लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सूखे जगह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थोड़े हाई एल्टीट्यूड में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी भी कम रहती है, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, डेजर्ट जैसा नहीं होता है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो माइसेलियम है ये फंगल एसोसिएशन, यहाँ पे फंगस एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। और ये फंगल क्या करता है, ये हाइफी के थ्रू इसका जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है, और ऐसे ही एरिया इंक्रीज करता रहता है, और फिर इसको क्या देगा, इस प्लांट को वो दूर से पानी ला के देता है कि ठीक है चलो तुम मुझसे H2O लो। सिर्फ पानी नहीं, न्यूट्रिशन भी ला के देता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और इसके बदले में इसको खाना मिलता है, फंगस को खाना मिलता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं फंगस क्या है, दिस इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, वो खुद कुछ नहीं बनाता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और माइनस क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है, और फोटोसिंथेसिस चलती है मतलब ये ऑटोट्रॉफिक है, और ऑटोट्रॉफिक है मतलब खाना एटलीस्ट खुद का बना पाता है, हालांकि उसको पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिलती है, मतलब देखो ये खाना बना लेगा, ग्लूकोज ये फॉर्म कर लेगा, ओके, सनलाइट है, बाहर की ऑक्सीजन भी मिल रही है उसको, और बाकी के जो जो भी चीज़ है अपने पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये खाना अपना बना लेगा, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए भी जो पानी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब जो यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट्स ही लिखा है, जो तो न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए वो सब कुछ के लिए उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है, मतलब सपोज इसको इसका एरिया बढ़ाना है, मतलब ये प्लांट तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब धीरे धीरे अपना जो हाइट है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो इसके साथ साथ उसको नीचे का भी इलाका बढ़ाना है, अगर नहीं बढ़ाएगा तो एक ही जगह में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो फंगल एसोसिएशन का काम लगाती है, और ये क्या करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस में इसने ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है यहाँ से ये अपना पेट भरता है फंगस, ओके, ये जो ग्लूकोज उसको प्लांट बना रही है, पाइनस जो बना रही है, ये यहाँ से फंगस इसका भोग करता है, और इसको बदले में क्या देता है, H2O देता है, मतलब पानी देती है, और मिट्टी में जो भी स्पेसिफिकली फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट करती है। सो ये था, ये जो एसोसिएशन है इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, और ये है फंगल एसोसिएशन, तो माइनस के साथ फंगल एसोसिएशन होती है। और साइकस भी जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया कुछ अलग है। यहाँ पे क्या होता है, इसके पास जो ये रूट प्रेजेंट है इस रूट में साइनोबैक्टीरिया रहता है, और साइनोबैक्टीरिया बेसिकली एक साइनोबैक्टीरिया रहता है, और ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हमारे जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन हमें जो मिलती है, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या तो फिर पानी मतलब ऑक्सीजन हो गया, उसको जैसे डायरेक्टली एटमोस्फियर से अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसको वो तोड़ नहीं पाता है यहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन बेसिकली जो एटमोस्फेयर में है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, उसी नाइट्रोजन को एक फॉर्म में चेंज करता है, जैसे कि अमोनिया बनाता है, ठीक है, और वही जो फॉर्म जो कि प्लांट के लिए बहुत ही इजी होगा टू अब्जॉर्व, उस फॉर्म को ये प्लांट एक्सेप्ट करता है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि
हेल्प हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हेल्प कर रहा है क्या, देखिए नाइट्रोजन का कुछ एक इजी फॉर्म बना के फिर ये साइकस को दे रहा है, हाँ ठीक है तुम इसको लो और फिर तुम अपना जो काम है वो चलाओ। और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया इसके पास रह रहा है और उसकी हेल्प कर रहा है, और ये प्लांट क्या कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया को रहने दे रहा है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था साइकस, और ऐसे करके नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है, ओके। एंड फिक्सेशन में ये बहुत बड़ा हाल है, और हम लोग जब मिनरल न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में। तो ये मतलब और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये था पाइनस के बारे में, और ये हो गया हमारा साइकस के बारे में। तो दोनों का एसोसिएशन अलग है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब नीट में बहुत फेवरेट है उनका, मतलब ये पाइनस और साइकस में हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा पाइनस है, कौन सा साइकस है, कौन किसके साथ क्या एसोसिएशन में रहता है, क्या नहीं रहता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ देखो, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस और ब्रांच्ड इन पाइनस और सेट्रस, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। तो देखो साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड होती है। यहाँ पे साइकस एक ट्री प्रेजेंट है, दिस इज द साइकस, ठीक है, ये वाला है साइकस, साइकस प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये तो आपको एक मतलब ये पॉइंट जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर से जो एंगल है पिक्चर का वो ऊपर से लिया गया है। ये बेसिकली अगर हम लोग साइड व्यू से देखते हैं तो ये ऐसा होता है, ये है उसका स्टेम जो गर्थ होता है, और फिर ये यहाँ से जैसे कि एक पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल के जैसे ये ऐसा साइकस होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेम यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसका जो ये लीव्स वगैरह है, ये लीव्स अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ऑल दीज लीव्स आर मेंशन हियर। तो यहाँ पे हम लोग और क्या देखें कि पाइनस जो है वो ब्रांच्ड है, राइट। तो ये देखो पाइनस ट्री, ठीक है, दिस इज द पाइनस, दिस इज द पाइनस, अच्छा हाँ थोड़ा ऊपर हो जाए, मेरा पिक्चर शायद यहाँ पे आ रहा है। सो ये है पाइनस, पाइनस में क्या होता है, यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको ब्रांचेस, एनसीईआरटी में ही दिया गया है, ये देखो ब्रांचेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्रांचेस, ठीक है, ये है स्टेम और बाकी ये ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं बहुत ऐसे। तो ये था दोनों कि हम लोग क्या देखे हैं कि स्टेम अनब्रांच्ड होता है साइकस का, एक ही स्टेम होता है और ऊपर से ऐसे फुलझड़ी के जैसे उसके पत्ते होते हैं, और पाइनस और सेड्रस में क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड लीफ, हम लोग मॉर्फोलॉजी में भले पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सिंपल लीफ क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड दो तरीके की लीफ होती है। सिंपल लीफ में क्या होता है, सिंपल लीफ ऐसा होता है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ ऐसा भी नहीं, सिंपल लीफ ऐसा भी होता है, मतलब ये आपको देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो लेकिन ये बेचारा सिंपल ही है, ओके। तो मेन ये क्या है कि इसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखो ये जो बीच में है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। और ये जो लीफ है ना, ये लीफ के ये जो पेरीफेरी है, ये पेरीफेरी मिडरिब के साथ टच नहीं होना चाहिए, ओके। ये मिडरिब जो है, मिडरिब जो है इसके साथ ये लीफ का जो पेरीफेरी है, ये तो टच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये टच नहीं होना चाहिए। तो अगर टच नहीं हो रहा है, जो भी लीफ भले वो कैसा भी दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, या तो फिर ऐसा दिखता है, कैसा भी दिखता है, ये टच नहीं होना चाहिए, ओके। ये कैसे भी टाइप के एक डिज़ाइन बना रहा है, जब तक ये टच नहीं हो रहा है मिडरिब के साथ, देखो अगर इतना सा भी जगह बच गया है तो भी वो सिंपल लीफ ही है। और इसके साथ कंपाउंड लीफ कैसा होता है, कंपाउंड लीफ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे और जगह है नहीं देखो, तो कंपाउंड लीफ में हम लोग कैसे देखेंगे कि जब ये टच हो गया है मिडरिब से, ओके, एक टच हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ओके, दोनों साइड अतरंगी बन गया, एनीवे समझ जाओ। तो ये क्या हुआ, ये टच हो गया है, इसकी जो पेरीफेरी है ये टच हो गया है, ये हो गया कंपाउंड लीफ।
यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इसके साथ साथ सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स द लीफ. तो ये क्या है, कंपाउंड लीफ है ना, कंपाउंड लीफ. और ये बेसिकली अगर मैं इसको और भी अलग से अगर दिखाऊं, ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का भी होता है. सॉरी, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसे टाइप का तो आप देखे ही हैं. साइकस का अगर ना भी देखे हो, ऐसे तो आप लोग देखे ही हैं, राइट. सो दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ. और एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. तो इतना ज़्यादा मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे. तो दिस इज द पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये भी है पिनेट. हाँ, और ये यहाँ पे एक रैचेस के साथ जुड़ा, एक स्टेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी स्टेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है. और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है. अगर ये मिडरिब है, ठीक है, अगर ये लीफ होता, अलग अलग लीफ होता, ठीक है, अगर ये अलग अलग लीफ होता तो क्या होता, यहाँ पे भी बर्ड्स प्रेजेंट होते, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट कि पिनेटली लीफ है, पिनेट लीफ है, ठीक है. तो मतलब ये कंपाउंड लीफ है. और अगर ये, आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्टेम है और यहाँ पे अलग अलग लीफ है. नहीं बेटा, अगर होता ये, अगर सिंगल अलग अलग लीफ होता तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट प्रेजेंट होता, ठीक है. और एक्सिलरी बर्ड सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब ये पूरा जो लीफ है ये एक सिंगल लीफ है और जिसका टाइप है क्या, कंपाउंड लीफ. और इस टाइप के लीफ को, इस टाइप के कंपाउंड लीफ को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड, ठीक है. तो ऐसा ही जो आप बेसिकली ये वाला जो देखे हैं, दिस इज प्रेजेंट इन साइकस. ये हम लोग साइकस में देखते हैं और बेसिकली जिम्नोस्पर्म में भी देखते हैं. देखो, तो इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स. द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे देखो आप, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, सी, ये एक मिडरिब है और मिडरिब के साथ साथ ये जो इतने सारे लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लीफलेट प्रेजेंट है, लीफ नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो पूरे जो जैसे भी प्लांट्स हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लीफ प्रेजेंट है और इसके साथ ये जो लीफलेट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सारे के सारे लीफलेट क्या हुआ है, मिडरिब को टच किया है. एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है. तो ऐसे टाइप का होता है. यहाँ पे अगर आप पाइनस में देखो, पाइनस में भी क्या है, एकदम पतला पतला लीव्स प्रेजेंट है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो भी एकदम कम हो गया है ना. अगर हम लोग नॉर्मल कोई मतलब इस रीजन में हम लोग अगर देखते हैं, जो एक नॉर्मल जहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब अगर हम लोग देखते हैं, तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे मतलब जो साइज होता है लीफ का, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा सरफेस एरिया, एक प्रॉपर सरफेस एरिया रहता है, यहाँ पे इसके जैसे नहीं होता है, राइट. यहाँ पे ये जो है एकदम पतला पतला जो सरफेस एरिया को एकदम कम कर दिया है ताकि उसको टेम्परेचर में या तो फिर जो एटमोस्फेयरिक सिचुएशन है वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो. द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम हो रहा है या तो फिर ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, अगर विंड का जो मतलब विंड से अगर खुद को रेजिस्ट करना है एक्सट्रीमिटी में, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संक इन स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. तो हम लोग ऑलरेडी देखते हैं डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक कोन जैसे बना लेते हैं वो लोग, ठीक है, कोन बना लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते हैं, जिम्नोस्पर्म बेसिकली क्या होता है, वो लोग डेजर्ट में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो डेजर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है.
वो जो डेजर्ट प्लांट होता है वो तो एकदम मतलब अपना फोटोसिंथेसिस भी कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती रहती है। यहाँ पे ग्रीन जो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है, लीफलेट्स भी प्रेजेंट है, तो छोटा छोटा लीव्स यहाँ पे मिलता है, लेकिन इनके जो लीव्स के टाइप होते हैं इसका, ये बहुत ज़्यादा संकन स्टोमाटा, सरफेस एरिया भी कम कर देते हैं, देख रहे हो ना, पतले पतले एकदम हो जाते हैं ये, एक एक तो लीफ है तो ये एकदम बहुत ज़्यादा पतले पतले सा हो जाता है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो एकदम कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो क्यूटिकल है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होता है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर पाए। नाउ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस। ओके, तो यहाँ पे स्पोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म भी करता है, जिम्नोस्पर्म भी करता है। तो इसके पहले तक, मतलब जब तक हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जब तक देख रहे थे, दोज वेर होमोस्पोरस, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म ये देख रहे हैं हेट्रोस्पोरस। नॉट ओनली दैट, जो टैप रूट का जो सिस्टम है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, जो टॉल ट्रीज इसके बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, लास्ट में जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा था उसका इतना ज़्यादा साइज नहीं था, यहाँ पे क्या हो रहा है, टैप रूट्स प्रेजेंट है, ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे सीड के बारे में पहली बार बताया गया है, ये जो ओवरी, सीड वॉल, पोस्ट, मतलब ये सब के बारे में पहले बताया, मतलब फर्स्ट टाइम बताया गया है। इसके पहले जो था टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसमें हम लोग ये सब नहीं देख रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर न्यू इन दिस सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद एंजियोस्पर्म में हम लोग जो देखते हैं वो और ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन होता है। नाउ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। तो अगर आप लोग एंजियोस्पर्म पढ़े हैं या तो फिर कुछ पता है तो आपको उतना ज़्यादा नया नहीं लगेगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी पढ़ लेंगे। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एंड एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन्स। तो देखो यहाँ पे दो तरीके की हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एक है मेगा स्पोरेंजिया, दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे ना कोन्स प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल स्ट्रोबिली, मेल स्ट्रोबिली, ऐसा टाइप के कोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल स्ट्रोबिली होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो मेल स्ट्रोबिली होता है उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो फीमेल कोन, सपोज दिस इज द ट्री, ऐसा ही कुछ हो रहा है, पाइनस ट्री। तो पाइनस ट्री में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि ये वाले पिक्चर में देखो आप, ये जो ऊपर की तरफ होता है ना, लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखते हैं ये लोग, ठीक है। जो फीमेल्स को, फीमेल कोन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, और जो मेल्स कोन प्रेजेंट होते हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ऊपर में फीमेल, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओके, फीमेल कोन्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ मेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल स्ट्रॉबेरी मिलता है, ओके। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट कैसा है। तो ये एक पूरा प्लांट है, ठीक है, सपोज दिस द पाइनस प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पूरे प्लांट बॉडी को, मतलब जैसे ब्रायोफाइटा में पढ़े थे कि गैमेटोफाइट होता है जो मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे क्या होता है, पाइनस में, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लांट किंगडम पार्ट 2 में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट की प्लॉयडी होती है 2n, गैमेटोफाइट की प्लॉयडी होती है n, ठीक है, हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे पूरे प्लांट बॉडी में मतलब पूरे प्लांट बॉडी को हम लोग यहाँ पे स्पोरोफाइट बोलते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट डिस्टिंक्टिव है। और ये क्या करता है, स्पोरोफाइट स्पोर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में दो तरीके की स्पोर जनरेट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। तो दो तरीके की स्पोर्स कहाँ पे जनरेट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो मेल स्ट्रॉबेली, फीमेल स्ट्रॉबेली, तो ये जो दोनों अलग अलग ऑर्गेन है, यहाँ पे एक में क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्म होती है, दूसरे में फीमेल गैमेट फॉर्म होती है, और फिर वो दोनों एक साथ मिलके जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि फिर से एक स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, क्योंकि जाइगोट 2n है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, एक ओवरव्यू पहले बता देते हैं, उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मेल
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल स्ट्रोबिली, मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली प्रेजेंट है। ये दोनों भी क्या है, 2N है, ओके स्पोरोफाइट है, ये 2N है। अब यहाँ पे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नहीं मतलब सेल डिवीजन हो रही है, ये सब हो रहा है। और ये सब होने के बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, पोलन फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे पोलन का फॉर्मेशन हुआ, पोलन फॉर्मेशन होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, पोलन नहीं बोल रहे मतलब, हाँ ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। ये भी क्या होता है, ये भी 2N होता है। और यहां पे क्या हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में हम लोग इस फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक। तो यहां पे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलेंगे। तो ये होता है, ये भी 2N ही होगा। अब इस मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, इस मेल गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट से भी गैमेट बनेगा, है ना। तो ये मेल गैमेटोफाइट से हम लोग को क्या मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है या तो फिर गैमेट मिल रहा है, ओके। और ये फीमेल गैमेटोफाइट से, ये मेल गैमेट लिख देते हैं, और यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट से भी फीमेल गैमेट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, यहाँ पे मियोसिस हो रही है, मियोसिस होती है, मियोसिस हो रही है। और ये मियोसिस होने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, स्पर्म मिली है, राइट। और यहाँ पे एग मिला है, और ये दोनों की प्लॉयडी क्या है, इन दोनों की प्लॉयडी है एन, मतलब ये दोनों ही हैप्लॉयड है। और अब ये हैप्लॉयड दोनों एक साथ मिलके, जब ये स्पर्म ये एग के पास जाएगा, ये क्या होता है, स्पर्म के पास ये जो पोलन है इसके पास एक बेसिकली, मैं तो पढ़ाऊंगी फिर भी मैं ये बता रही हूँ, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हम लोग क्या जानते थे कि इसके लिए पानी की बहुत, मतलब उनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए उनके जो मतलब एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रजिस्टर्ड होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर जहाँ पे पानी होता है मतलब लेक के आसपास या फिर नदी के आसपास, ठीक है, वैसे टाइप के एरिया में ही ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एल्गी, एल्गी तो भले पानी में ही रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही पानी में ही रहता है। तो ब्रायोफाइट में भी क्या होता है कि पूरे जिंदगी भर ये टेरेस्ट्रियल होकर रह सकता है, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा इसको पानी की ज़रूरत होगी, और इसीलिए ये पानी के आसपास ही रहता है। टेरिडोफाइट्स में भी सेम होती है। तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि पानी बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द रिप्रोडक्शन, और इसीलिए बिना पानी के उसका कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मेन जो रिप्रोडक्शन है, ये जो एक सेल है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट के पास ये दो विंग्स होती है, विंग्स, इसको एयर सैक्स भी बोल सकते हैं, ये एयर सैक्स होता है। तो ये विंग्स होती है, ये बिना रेडबुल पिए ही इसको विंग्स मिल जाता है। तो ये क्या करता है, ये उड़ते 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 ये उड़ के ये एग के पास जाएगा। एग के पास मतलब बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेट होती है वहां पे, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाके ये एग के साथ मिलेगा, और फिर ये मिलके क्या करता है, ये मिलने के बाद जायगोट फॉर्म करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये जायगोट फॉर्म कर रहा है, जायगोट क्या होता है, इसकी प्लॉयडी 2N होती है। तो देखो यहाँ पे फिर से, ये एक स्पोरोफाइट था, ठीक है, ये एक स्पोरोफाइट था जो कि 2N था। अब ये स्पोरोफाइट क्या होता है, एक मेल स्ट्रॉबेरी उसी में प्रेजेंट है, ठीक है। मेल स्ट्रॉबेरी नीचे की तरफ रहती है, फीमेल स्ट्रॉबेरी ऊपर की तरफ रहती है। तो मेल स्ट्रॉबेरी एक जो कि एक 2N है वो बनाया। इसके बाद ये फीमेल स्ट्रॉबेरी बनाता है, यहाँ पे वो है उसके पास। अब ये मेल स्ट्रॉबेरी में क्या रहता है, मेल गैमेटोफाइट रहती है, और फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी में क्या रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो फीमेल मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट में एक वो जो माइक्रोस्पोर्स रहता है वहाँ पे मियोसिस होके ये मेल गैमेट फॉर्म करता है, और फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट के भी अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है,
और फिर ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों गैमेट एक साथ मिलके ये इसके जहाँ पे है वहीं पे रहता है, क्योंकि लड़कियाँ उतना ज़्यादा मतलब काम नहीं करती है। ये आते हैं, ठीक है, उड़ उड़ के आएंगे और फिर इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो उड़ उड़ के आए और फिर इसको फर्टिलाइज करें, फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना है, जाइगोट बना है। जाइगोट बन के ये क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट एम्ब्रायो, ये जाइगोट या तो फिर एम्ब्रायो यहीं पे लिख सकते हो तुम, ठीक है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या हुआ, टू एन ही हुआ, और ये फिर जाके ये एम्ब्रायो बेसिकली ये जो टोटल फॉर्मेशन हुआ है, ये जो गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में ही पूरे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। इसको एंडोस्पर्म भी बोला जाता है, ठीक है, इसको एंडोस्पर्म भी बोला जाता है, और ये पूरे फीमेल गैमेटोफाइट ही इसका जो देखभाल है वो करेगा, न्यूट्रिशन देगा, सब कुछ देगा, और फिर ये धीरे धीरे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो कि 2N है। तो ये फिर से कहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो इट इज अ साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरे जो एक प्रोसेस है, मैं आपको बस लिख के बताई, अब हम लोग इसको एक पिक्चर्स के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं अब मेल और फीमेल का अलग अलग से बता रही हूँ। तो मेल का जो रहता है, मेल कैसा, उसका मेल स्ट्रॉबेरी जो है वो ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, ठीक है, ये मेल स्ट्रॉबेरी है, और इसके अंदर ऐसे टाइप के माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, यही माइक्रोस्पोरेंजियम से मैंने इसको, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेल स्ट्रॉबेरी, मेल स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं। देखो द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, यहाँ पे देखते देखते जाएंगे, देखो द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग विद एन एक्सिस और लैक्स ऑफ और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन्स। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। तो वो क्या रखता है, इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या रखा है, द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, दीज आर माइक्रो स्पोर्स। अब देखो माइक्रोस्पोर्स नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ओके। अब हम लोग एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, थोड़ा और ज्यादा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ओके। तो ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे माइक्रो स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल है, अब अगर एक सेल को अगर हम लोग लेते हैं, सपोज इस सेल को हम लोग लेंगे, ठीक है, अब इस सेल के बारे में बताएंगे। लेकिन और एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखते हुए जाएंगे कि ये जो टोटल जो प्लॉयडी है, प्लॉयडी का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्लॉयडी का, इसका प्लॉयडी कितना था, 2N था, ठीक है। मेल स्ट्रॉबेरी का कितना था, 2N था। यहाँ पे जितने भी सारे तुम देख रहे हो माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स, तो यहाँ पे सारे के सारे 2N है, ये खुद भी 2N है। अब ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया अपने मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ का ये जो सेल है, ये सेल क्या होगा,
मियोसिस करेगा, ठीक है। तो ये अभी मियोसिस करने वाला है, तो ये है एक 2n, 2n, ठीक है। अब यहां से n होगा चार प्रोड्यूस होगा स्पोर्स। तो देखो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो था पहले इसका क्या था 2n, ये था मेल स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक देखने के लिए उठाएं और उठा के ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, वहां पे हम लोग क्या देखे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये है क्या, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये अभी मियोसिस किया है, और मियोसिस करके क्या होगा, प्लॉइडी लेवल डिक्रीज होगी, और उसके साथ साथ ये बेसिकली क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुई है। अब देखो ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से हम लोगों को एक पोलन मिल गया। अब ये पोलन क्या करेगा, ये पोलन से, ये पोलन के अंदर ये कैसा होता है बेसिकली, ये एक ऐसे एक सेल है, ठीक है, ये ऐसा एक सेल है, और ये सेल के साथ यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट है, एयर सैक्स, यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही विंग्स को हम लोग, ये हैरी पॉटर के स्नेच के जैसा लग रहा है दिखने में, तो ये स्नेच याद रखना। नाउ दिस इज द एयर सैक्स, क्या है, एयर सैक, ये भी एयर सैक है। अब क्या होता है, यहाँ पे दो सेल प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, इसके अंदर दो सेल प्रेजेंट है, एक है जेनरेटिव सेल, ठीक है, एक है जेनरेटिव सेल, और दूसरा है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का नाम से पता चलता है, क्या पता चलता है, कि ये ट्यूब ही फॉर्मेशन करेगा, है ना, ये ट्यूब सेल क्या करेगा, ट्यूब का ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कब करता है वो बाद में बोल रहे हैं। देखो ये जेनरेटिव सेल क्या करेगा, ये जो जेनरेटिव सेल है ये फिर से माइटोसिस करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एन है ना, मतलब इसकी जो प्लॉयडी है ये भी एन है, इसकी जो प्लॉयडी है ये भी एन है, तो ये क्या करता है, माइटोसिस करती है। माइटोसिस करने के बाद ये दो यहाँ पे जेनरेट किया सेल्स, और फिर एक इसमें से क्या होता है, ये दो यहाँ पे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये दो यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है, और ये जो दो जनरेट किए हैं इनमें से एक होता है स्टेराइल, जो स्टेराइल है उसका तो कोई काम है नहीं, और एक होता है जो कि केपेबल होता है, ओके, फॉर द वो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए केपेबल होता है। तो ये फिर से माइटोसिस करता है, और फिर से माइटोसिस करने के बाद ये दोबारा दो सेल बनाता है, जिसका प्लॉयडी क्या है, एन ही है, ठीक है। तो ये फिर से माइटोसिस करके दो सेल बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, दिस इज द मेल गैमेट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़े हैं हम, ठीक है, देखो यहाँ पे आओ एकदम शुरुआत में, पहले हम लोग देखे थे कि मेल स्ट्रॉबेली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम मिलता है यहाँ पे,
राइट, ये पूरे स्पाइरली अरेंज होता है और मैंने यहाँ पे बस एक ही मेल स्ट्रॉबेरी को लाया है, लेकिन ये पूरा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, सब एक साथ होता है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर होता है। मैंने बस यहाँ पे एक सिंपल सा एक ही स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए लाया, ठीक है। तो इसके बाद ये माइक्रोस्पोरेंजियम से हम इस चीज़ को, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को लिया, और माइक्रोस्पोरेंजियम को लेने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल एक हम लोग यहाँ से उठाया, हालांकि ये सारे के सारे सेल्स जो है ना, ये सारे के सारे सेल्स ही मियोसिस के साथ जाएगा, ठीक है, मियोसिस करेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ही करेगा इतने सारे सेल में से, इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे करेंगे नाउ, मतलब सारे के सारे सेल्स ही करेंगे मियोसिस। तो एक को मैंने एज अ एग्जाम्पल उठाया है। तो ये था, अब इसका प्लॉयडी क्या था, ये स्पोरोफाइट है, तो यहाँ पे भी 2N है, यहाँ पे भी 2N है, इसके अंदर जो भी सेल्स है वहाँ पे भी 2N है, ठीक है, और ये भी 2N है। और यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रही है, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद यहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स निकल रहा है। अब ये हैप्लॉयड सेल क्या करेगा, ये पोलिन बनाएगा, ठीक है, ये गैमेट बनाएगा, ठीक है। गैमेट बनाएगा कैसे, ये जो बना है यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दो एयर सैक्स प्रेजेंट होती है, एयर सैक के एयर सैक प्रेजेंट होती है एज अ विंग्स, ठीक है, ये उड़ के जाता है, तो ये एयर के थ्रू ये उड़ के जाएगा और फिर वो फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, फीमेल के जो एग है। तो यहाँ पे दो सेल होते हैं, एक का नाम क्या है, जनरेटिव सेल, और दूसरा है क्या, ट्यूब सेल। तो ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल ही एक्चुअली काम करता है, मतलब दोनों ही काम करते हैं, ट्यूब सेल भी इंपॉर्टेंट है, जनरेटिव सेल भी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। तो इस जनरेटिव सेल अब क्या करता है, दो सेल मियोसिस, सॉरी माइटोसिस करता है, ठीक है। माइटोसिस क्यों करेगा, अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर एन है तो हमेशा वो मियोसिस ही करेगा, क्योंकि ये आपको सेल साइकिल में प्रॉब्लम है, फिर आप सेल साइकिल ठीक से नहीं समझे हैं। तो यहाँ पे अगर इक्वल डिवीजन हो रही है, भले ही वो एन है प्लॉयडी उसका, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, अगर इक्वल डिवीजन हो रही है तो वहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। अगर रिडक्शन डिवीजन हो रही है, मतलब 2N से N हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है 2N से N हो रहा है, मतलब यहाँ पे मियोसिस होगी। लेकिन अगर N से N हो रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वल हो रहा है ना, यहाँ से तो एन से उसका उसका भी और छोटा नहीं हो रहा है, एन बाई टू नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एन से एन ही हो रहा है, प्लॉयडी लेवल एन ही है, हैप्लॉयड था हैप्लॉयडी है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन, सेम डिवीजन है, दो सेल बन रहा है और दो सेल का प्लॉयडी लेवल सेम है, जो कि हम लोगों का पहले, मतलब मदर सेल का जो प्लॉयडी लेवल है एन था, हैप्लॉयड था, और वही सेम प्लॉयडी लेवल हम लोग डॉटर में भी देखते हैं जो कि एन है, हैप्लॉयड है, राइट। तो यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, दो सेल मिलता है, एक है स्टेराइल, स्टेराइल जो सेल होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, दूसरा और एक सेल है, और यही है कैपेबल, और ये सेल क्या करता है, दो फिर से एक माइटोसिस करता है और फिर दो सेल फिर से जनरेट करता है, और यही होता है मेल गैमेट, ओके। तो ये हो गया हमारा ये मेल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फीमेल क्या करती है, ओके। फीमेल में हम लोग क्या देखेंगे, फीमेल का जो कोन है वो काइंड ऑफ ऐसा टाइप का होता है, स्केल जैसा, ओके। इसे समझाने के लिए बनाना जरूरी है, तो इसे स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक स्केल को हम लोग उठाएंगे अभी, ये यहाँ पे क्या है, ये है फीमेल स्ट्रॉबेरी, और यही फीमेल स्ट्रॉबेरी को हम लोग और एक नाम से क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कॉनिफाइड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जो देख रहे थे वो पोलन ग्रेन था,
एंड दैट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और फिर अच्छा हाँ, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। अच्छा क्या है ये? मेल गैमेटोफाइट है, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, ओके। और इसी के अंदर क्या रहता है? स्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे थे, दिस इज द पोलन ग्रेन, और यहीं पे सैक प्रेजेंट होता है और एयर सैक प्रेजेंट होता है, और ये उड़ते 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 जाता है फीमेल के पास, फिर उसको फर्टिलाइज करता है। देखो अब ये है फीमेल स्ट्रॉबेरी। अच्छा हाँ, पढ़ना भूल गए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद द ओव्यूल्स ऑफ मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस। अच्छा ये तो अलग बात है। तो द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद द ओव्यूल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल स्ट्रॉबेरी या तो फिर मेगास्पोरेंजिएट। अब देखो ये तो कोन जैसा एक स्ट्रक्चर बना के रहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये काइंड ऑफ ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने मेल में भी बनाया था एक, ये अभी यहाँ पे दूसरा टाइप का एक बना दिया, ठीक है, वैसा टाइप का भी आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब हम लोग इसको इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ से ओव्यूल्स मैंने लिया, यही है फीमेल स्ट्रॉबेरी, ये कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे बस ये कॉम्पैक्ट है, दिस इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और मैंने यहाँ पे अलग से एक स्ट्रक्चर लिया है समझाने के लिए, दिस इज द फीमेल स्ट्रॉबेरी, ये भी फीमेल स्ट्रॉबेरी ही है, बस ये वाला ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और कुछ नहीं है। और इसको ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्केल्स, और इसी स्केल्स के अंदर ऐसे ओव्यूल्स होते हैं, मतलब ये पूरे अगर आप हाथ से देखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। प्रैक्टिकल और थ्योरी में तो थोड़ा सा अंतर तो होता ही है ना, मैं आपको यहाँ पे 2D में समझा रही हूँ तो वो अलग होगा। तो देखो यहाँ पे एक फीमेल स्ट्रॉबेरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस ओव्यूल्स में क्या होता है, कहाँ गया ये, हाँ ये एक ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये ओव्यूल्स को मैंने बड़ा कर लिया। अब इस ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मेगास्पोर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इस सेल के अंदर एक ऐसी होती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल बनना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनेगी अभी? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे भी ये स्पोरेंजिएट था तो ये 2N था, ये जो फीमेल स्ट्रॉबेरी यहाँ पे भी है 2N है, ठीक है, ये सब स्पोरोफाइट है। यहाँ पे भी जितने सारे सेल्स, इसको हम लोग न्यूसेलस भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूसेलस भी बोलते हैं, तो ये सारे के सारे 2N है। मेगास्पोर मदर सेल कितना है प्लॉयडी? 2N है, ठीक है। तो पूरे सारे के सारे यहाँ पे जितने सारे सेल तुम देख रहे हो पूरा 2N ही है, ओके। इसके बाद मतलब उसके प्लॉयडी क्या है? प्लॉयडी लेवल डिप्लॉयड है। ये अभी मेगास्पोर मदर सेल हम लोग ये जो बना रहे हैं अभी ये निकलेगी, और निकल के ये यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हम लोग अभी इसको बोलेंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो है दिस इज द 2N, और ये अभी मियोसिस करेगी, मियोसिस करके ये क्या बनाएगा? चार तरीके की स्पोर बनाएंगे, है ना, चार तरीके की स्पोर बनेगा, और उसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी? N, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? मियोसिस हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन,
डिडक्शन डिवीजन, राइट। तो ये है 2n, और 2n से हम लोगों को क्या मिला है, चार ऐसे सेल्स मिले हैं। और ये जो चार सेल्स हम लोगों को मिले हैं, इसमें से एक रह जाएगा, बाकी तीन डिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन मर गए, डिजनरेट हो गए, एक बच गया। अब यही एक क्या करें, अब यही एक क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। इसी के अंदर क्या रहेगा, इसी के अंदर एग रहेगा, फीमेल गैमिट रहेगी। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमिट है, एग है, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, मेल गैमेटोफाइट हम लोग किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं, और उसके अंदर क्या रहता है, स्पर्म रहता है। नाउ द फीमेल गैमेटोफाइट अब खुद के साथ खुद ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके ये बेसिकली क्या करता है, माइटोसिस करके ये अपना जो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करने के बाद देखो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया। इसी आर्चिगोनिया के अंदर ऐसे एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ऐसा टाइप का होता है, जैसे कि ऊपर का जो लेयर है ये एकदम गोल जैसा नहीं, ये हल्का सा ऐसा टाइप का एक होता है, ठीक है, ये हल्का सा ऐसा टाइप का एक लेयर होता है, एक जगह ऐसा रहता है, ठीक है। हम लोग अगर एंजियोस्पर्म के अगर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ से वो पढ़ के आने के बाद ये समझने में बहुत ईजी रहता है। तो देखो यहाँ पे हुआ, इसके बाद क्या होता है, ये जगह ये जो अब खाली है यहाँ पे अभी पोलन ग्रेन आके बैठेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये पोलन ग्रेन जो यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है, एयर सैक्स लेके, वो अभी आएगा और फिर यहाँ पे बैठेगा। तो पोलन ग्रेन को मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बना रही हूँ, देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, ठीक है, अपना एयर सैक्स लेके ही आया है, बिना एयर सैक्स के तो ये आ नहीं पाएगा, ठीक है, स्निच है ये। इसके बाद इसके अंदर दो स्पर्म था, सॉरी हाँ दो मेल गैमेट था। अब एक जो ट्यूब सेल था, ये तो जेनरेटिव सेल, जेनरेट सेल से बना था, एक जो ट्यूब सेल था ना, यही ट्यूब सेल यहाँ पे ट्यूब फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब, ओके, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद ये यहाँ से जो गैमेट है, ये गैमेट क्या होगा, ये गैमेट यहाँ से निकल के इस एग को फर्टिलाइज करेगा, फिर इसको फर्टिलाइज करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो एक फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आर्चिगोनिया होती है वो दो से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, दो से चार छः हो सकती है। तो ये ऐसे करके यहाँ पे अभी क्या हुआ, इसका जो प्लॉयडी था ये एन था, इसका जो प्लॉयडी है ये एन है, और फिर ये दोनों जैसे ही ये मिले, मिलन होने के बाद ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और ये जो दोनों मिलके जाइगोट फॉर्मेशन किए हैं, इसका क्या होता है, 2n होता है, ठीक है, प्लॉयडी लेवल। और ये 2n होने के बाद फिर वो क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, है ना, ये अब क्या करेगा, दिस इज एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है तो इसी को ये स्पोरोफाइट बनाते हैं, स्पोरोफाइट जिसका प्लॉयडी होता है 2n। तो हम लोग यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में इसी को एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, और यही एंडोस्पर्म का जो प्लॉयडी लेवल होता है वो n होता है। एंजियोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होता है, 3n होती है, सॉरी एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसका प्लॉयडी लेवल 3n होती है, और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसका प्लॉयडी लेवल n होती है।
क्योंकि यहाँ पे अलग से डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है, ठीक है। तो इसको और कोई डबल फर्टिलाइज करके फिर अलग से न्यूट्रिएंट जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई जुगाड़ नहीं करना है, इसके पास ऑलरेडी है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ये जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है यही न्यूट्रिशन उसको हेल्प करता है इसकी सब कुछ देखभाल करने में, जो भी नर्सिंग चलती है ये हेल्प कर लेता है, मतलब ये अपना सस्टेन कर सकता है। तो इसीलिए एन से ही इसका काम चल जाता है, कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और फिर ये एंडोस्पर्म बनाता है 3N वाला, और इसीलिए एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो 3N होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो उसका प्लॉयडी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये था पूरे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का हम लोग देखें। तो कैसे पता चला कि पहले मेल फीमेल स्ट्रॉबेरी है, फीमेल स्ट्रॉबेरी से हम लोग को यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मिला, मेगास्पोर मदर सेल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिडक्शन डिवीजन हो रही है, रिडक्शन डिवीजन होने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट एन हुआ, और ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही आर्चिगोनिया मिलता है, और यही आर्चिगोनिया के अंदर एग प्रेजेंट होता है, और उधर से जो हम लोग वो एयर सैक्स विंग्स वाला पोलन ग्रेन लाए थे यही पोलन ग्रेन के अंदर दो गैमेट्स प्रेजेंट था, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पोलन ट्यूब, एक ट्यूब सेल प्रेजेंट था। वही ट्यूब सेल क्या करेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा आके, ठीक है। और आने के बाद जैसे ये ट्यूब फॉर्मेशन करता है ये मेल गैमेट जो यहाँ पे प्रेजेंट था ये मेल गैमेट जाता है अंदर और फिर फर्टिलाइज करता है आर्चिगोनिया को, और फिर यहाँ पे ही जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है इसकी देखभाल करने में, और ऐसे ही करके जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो और फिर स्पोरोफाइट, मतलब जाइगोट धीरे धीरे अब माइटोटिक डिवीजन के थ्रू स्पोरोफाइट एक बना लेता है, ठीक है। तो ये था जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। हाउएवर, अब देखो, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री दैट इज स्पाइनस, ठीक है। तो अगर सेम ट्री में, एक ही ट्री में अगर मेल और फीमेल अगर कोन्स रह रहे हैं या फिर स्ट्रोबिली रह रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस, ठीक है। और अगर दूसरे जैसे कि साइकस में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोशियस। और एक ऐसा एग्जाम्पल कौन होता है, पपाया है ना, पपीता, उसमें क्या होता है दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब एक ट्री में, एक में मेल होता है दूसरे में फीमेल होता है, मतलब वो भी क्या है, डायोशियस है। नाउ द कोन्स वो एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, नॉट पपाया एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म नहीं है। हाउएवर इन साइकस मेल्स एंड मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, या द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, न्यूसेल इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो बनाया है, देखो दिस इज द न्यूसेलस बताया है, और इसी को ये जो टोटल है दिस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूल, ये भी बताया है कि यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, लिखा नहीं है लेकिन बता दिया था, ठीक है, ये ओव्यूल प्रेजेंट है। और ये जो ओव्यूल का ये जो एक सिंगल इंटेग्यूमेंट होती है ना, यही सीड कोट जैसा एक, मतलब एक पतला सा लेयर जैसा बनता है, मतलब एकदम तो खाली नहीं हो सकता है ना, नेकेड ही होता है लेकिन थोड़ा सा तो कुछ रहेगा, मतलब एटलीस्ट, वरना तो सब तो गिर जाएगा बाहर, न्यूसेलस के बाहर गिर जाएगा, अलग से कोई कोटिंग टाइप का कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको नेकेड बोलते हैं, लेकिन एक पतला सा जो लेयर होता है वहीं के ये ओव्यूल का जो ये पूरा लेयर है यही बाद में सीड कोट बनाते हैं, यहीं से सीड होता है और फिर ये सीड कोट बनता है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि ये जो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बना है, ये जो जाइगोट एम्ब्रायो अभी बन रहे हैं, तो ये जो सीड बना है ना, ये सीड भी क्या होता है, इनका सीड बेसिकली, ओहो क्या हुआ भाई, हाँ तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सीड है ना, ये सीड भी, ये सीड एक
विंग लेके, मतलब इसमें भी एक विंग प्रेजेंट होता है ठीक है, जब ये सीड होता है, और ये सीड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज द सीड जो कि एक जाइगोट से बना है, और ये एक विंग यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है इसका। ओके तो फिर देखते हैं बुक में क्या है। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म फोर मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया। टू और मोर, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं उसको। तो आर्चिगोनिया मैंने यहाँ पे दिखाया था, व्हाट इज आर्चिगोनिया, यहाँ पे ये देखो दीज आर द आर्चिगोनिया प्रेजेंट हियर। ठीक है और ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर क्या है कि अनलाइक द अच्छा सेलुलर मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है फाइन। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अच्छा ऑब्वियसली क्योंकि ये अंदर रहते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया के अंदर, फिर वो स्ट्रोबिली, मतलब इतने सारे लेयर्स हैं इनके। ये फीमेल जैसे कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स में क्या रहता था, एकदम फ्री रहता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। फीमेल और मेल गैमेटोफाइट किसको बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट तो फीमेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म में एक होता है एम्ब्रायो सैक, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रायो सैक नहीं बोलते उसको, उसको ही एंडोस्पर्म बोलते हैं। और मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है, राइट। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरीड बाय द एयर कैरेट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न। देखो यहाँ पे जो ओपनिंग है, ठीक है यहाँ पे जो ओपनिंग बनाया गया था, ये ओपनिंग से ही, ओपनिंग में आके ये पोलन ग्रेन बैठता है, उड़ के आता है, पोलन ग्रेन बैठता है, और फिर ये जो ट्यूब सेल था, ट्यूब सेल से ट्यूब फॉर्मेशन होती है, और फिर यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल डिवाइड होके माइटोसिस कर करके जो वहाँ पे दो स्पर्म बनाए थे, जो गैमेट बनाए थे, वही गैमेट फिर जाके यहाँ पे फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, ये फ्यूज़ होने के बाद ये यहाँ पे एम्ब्रायो बनाता है, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट फिर एम्ब्रायो यहाँ पे फॉर्मेशन करती है, स्पोरोफाइट होता है, और एंड ऑफ द डे ये जो सीड है, ये सीड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है विद दिस विंग। ठीक है तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड्स द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। वही बताया है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इंटू एन एम्ब्रायो एंड ओव्यूल्स इंटू द सीड्स एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। हो गया तो पूरे जो ओव्यूल थे, जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड्स एंड द दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा है। तो दिस इज द जिम्नोस्पर्म वी हैव कवर्ड, और जिम्नोस्पर्म का जो जनरेशन है वो भी हमने पढ़ लिया है, जो लाइफ साइकिल है वो भी हमने पढ़ लिया है, जो रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही लाइफ साइकिल पढ़ लिया है। ठीक है ये जो यहाँ पे था, ये दिस इज द लाइफ साइकिल राइट, ये स्पोरोफाइट 2N है, फिर ये मेल स्ट्रॉबेली बनाया है, फीमेल स्ट्रॉबेली है ऑलरेडी उसके पास, फिर ये पोलन गैमेट पोलन मतलब ये मेल गैमेटोफाइट बना है, फीमेल गैमेटोफाइट बना है, और फिर ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहा है, जहाँ से हम लोगों को मिल रहा है क्या, यहाँ पे पोलन मिल रहा है जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है, और फिर यहाँ पे एग है जो कि आर्चिगोनिया में प्रेजेंट है। ठीक है ये पोलन में ये प्रेजेंट है और ये आर्चिगोनिया में प्रेजेंट है एग, और फिर ये जाके जाता है जो हम लोग ओव्यूल बनाए थे, ओव्यूल के ओपनिंग में जाके बैठता है, और फिर जाइगोट बनाता है। इससे भी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। तो ये पूरे जिम्नोस्पर्म का जो रिप्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिए। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म और जो ऑल्टरेशन जनरेशन है
वो ख़त्म करेंगे। हालांकि इसका जो अल्टरेशन जनरेशन है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इजी हो जाएगा वो वाला पोर्शन पढ़ने के लिए, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। अगर समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़ तो हमें बोलिए कमेंट सेक्शन में, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया या तो फिर मेरे जो मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ।